Good morning, class. This is our new patho class in which today we will study about the sputum examination. First of all, sputum is a colorless, watery and odorless tracheobronchial secretion which is altered in a variation of condition affecting the lungs and the tracheobronchial tree. भाई स्पटम क्या है? एक कलरलेस पानी जैसा ऑडरलेस लेस ट्रेकियोब्रोंकियल सीक्रीशन होता है जो लंग्स की कई कंडीशंस में लंग्स या ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री की जो एबनॉर्मल कंडीशंस हैं उनमें ये बदल जाता है. स्पटम का कलेक्शन और एग्जामिनेशन काफ़ी सिंपल है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, महंगा नहीं पड़ता. वाइटल इन्फॉर्मेशन हमारे को पता चल जाती है, लंग डिजीज़ की वेराइटीज़ ऑफ लंग डिजीज़ के बारे में उसको डायग्नोस करने में हमारे को हेल्पफुल होता है. अब देखिए सबसे पहले प्रोडक्शन और कंपोजिशन क्या है. नॉर्मल स्पटम जो है वो मिक्सचर है प्लाज्मा, म्यूसिन, इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर का, और ये ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री से प्रोड्यूस होता है. जब ये सीक्रीशन अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से पास होता है तो इसमें कई सेलुलर एक्सफोलिएशन नेजल के और सलाइवरी ग्लैंड्स के सिक्रीशंस इसमें मिल जाते हैं. नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा जो ओरल कैविटी का है वो इसमें मिल जाता है. तो ये प्रिंसिपल सोर्स है ट्रेकियोब्रोंकियल सिक्रीशन का, जिसमें गॉबलेट सेल्स सब म्यूकस और ग्लैंड्स भी होती हैं. गॉबलेट सेल्स जो हैं वो सरफेस एपिथेलियम की गॉबलेट सेल्स वो थिक म्यूसिन को प्रोड्यूस करती है जो कि डाइल्यूट हो जाता है सब म्यूकस ग्लैंड के सिक्रीशन से. अब देखिए स्पटम की डेफिनेशन क्या है. इट इज़ अ सीक्रीशन दैट इज प्रोड्यूस इन द लंग्स एंड द ब्रोंकाई. यह ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री आप एक साथ कह दीजिए, चाहे कहिए लंग्स और ब्रोंकाई के सीक्रीशन से प्रोड्यूस हो रहा है. ये म्यूकस लाइक सीक्रीशन है जो कि इन्फेक्टेड हो सकता है, ब्लड स्टेन्ड हो सकता है, कुछ एबनॉर्मल सेल्स इसमें हो सकती हैं. तो वही चीज़ें हमारे को डायग्नोस करनी है. स्पटम ट्रेकियोब्रोंकियल सीक्रीशंस है जो कि इन कॉन्स्टेंट मिक्सचर प्लाज्मा, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स और म्यूसिन से बना होता है. ये सारे मिक्सचर जब हमारे लोअर और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से पास हो रहे हैं तो मैंने अभी ये चीज़ें बताई आपको कि इसमें सेलर एक्सफोलिएशन मिलता है, लेजर सलाइवरी ग्लैंड्स का सीक्रीशन मिल जाता है, नॉर्मल जो आपके ओरल कैविटी का बैक्टीरियल फ्लोरा है वो इसके अंदर ऐड हो जाता है. अब स्पटम कलेक्शन में क्या होता है कि ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर एंड अदर फ्लूइड्स द नाइट बिफोर द टेस्ट में हेल्प टू गेट द सैंपल. अगर आप जिस दिन आपको इसका सैंपल देना है तो रात को आप काफ़ी अच्छे से पानी वानी पी करके सोएंगे तो आपका अच्छा सैंपल जो है वो स्पटम का प्रोड्यूस होगा. और पेशेंट से सैंपल लेने से पहले आप उसको कहिए कि आपको डीपली कफ करना है, स्पिट करना है, स्पटम को स्टेराइल कप के अंदर लेना है. तो पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करिए कि पहले आप अपने माउथ को रिंस करिए वाटर से सैंपल कलेक्ट करने से पहले, और जो कफ्ड अप करना है लंग्स या ब्रोंकाई से होना चाहिए, और वाइड माउथेड स्टाइल ग्लास या प्लास्टिक कंटेनर में लगभग 50 ml कैपेसिटी की स्क्रू कैप वाली जो है वो सैंपल कलेक्शन के लिए आपको कंटेनर लेना है. स्पटम को आपको फिर लेबोरेटरी में लेकर के जाना है, स्पेशल सबस्टांस में आप इसको रखेंगे, मीडियम सबस्टांस में अंडर कंडीशंस दैट अलाउ द ऑर्गेनिजम्स टू ग्रो, ताकि ऑर्गेनिजम्स जो है ग्रो हो जाएं. इस तरह से आपको ये देखना है. ये स्पटम कलेक्शन बताया, वाइड माउथेड जो आपका कंटेनर है, कैप लगी हुई है. अब आपको इसके अंदर देखना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती है. देखिए कंपोजिशन जो है 95% वाटर होता है इसके अंदर, और 5% सॉलिड जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स और डीएनए मिला होता है. इसके अलावा लाइसोजाइम्स और सीक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन जैसे आईजीए इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं स्पटम के अंदर, जो कि एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं. स्पटम की कंसिस्टेंसी जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन कंटेंट से आप डिटरमाइन कर सकते हो, साइलिक एसिड स्पेशली के साथ में, और हाइड्रेशन की डिग्री भी इसमें रोल प्ले कर रही होती है. अब देखिए आपको जो सैंपल कलेक्ट करना है वो आप अर्ली मॉर्निंग स्पटम सैंपल ले सकते हैं रूटीन एग्जामिनेशन के लिए, या फिर 24 आवर्स का सैंपल ले सकते हो अगर आपको ट्यूबरकल बेसिलाई को डिटेक्ट करना है स्पटम सैंपल के अंदर. तो 24 आवर का स्पेसिमेन आप वाइड माउथेड स्टाइल बॉटल के अंदर ले लीजिए, उसी में इक्वल वॉल्यूम 6% सल्फ्यूरिक एसिड मिला सकते हो और 20 मिनट तक उसको छोड़ दीजिए. फिर सेंट्रीफ्यूज करिए 3000 आरपीएम पर 30 मिनट के लिए. ये सारा मेथड अपन टीबी के लिए कर रहे हैं.
अब अगर हम रूटीन एग्जामिनेशन करना चाहते हैं तो जैसा हमने यूरिन वगैरह में भी पढ़ा था कि हम रूटीन एग्जामिनेशन और फिज़िकल एग्जामिनेशन, केमिकल और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं। फिज़िकल एग्जामिनेशन में आप क्वांटिटी चेक करते हैं, कलर कंसिस्टेंसी एंड अपीयरेंस, ऑर्डर और लेयर फॉर्मेशन अपन देख रहे होते हैं। तो देखिए, नॉर्मल सैंपल की अगर आप कलर और अपीयरेंस और कंसिस्टेंसी देखेंगे तो नॉर्मल स्पटम इज़ कलरलेस, ऑप्लेसेंट स्लाइटली अनइवन कंसिस्टेंसी म्यूकस की वजह से होती है, ये क्लियर और कलरलेस होता है। अगर आपको ये विसर्ड और येलो कलर का दिख रहा है तो इसका मतलब ये एक्यूट ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइक्टासिस और लंग एब्सेस को इंडिकेट करता है। वाइट और म्यूकॉइड दिख रहा है तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस को, ब्रोंकियल एस्थमा को और पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस को इंडिकेट करेगा। रस्टी स्पटम दिख रहा है तो न्यूमोकोकल निमोनिया को इंडिकेट करेगा। क्रशमॉन्स स्पाइरल इसमें दिख रहे हैं तो ब्रोंकियल एस्थमा को, एलर्जिक ब्रोंको पल्मोनरी एस्परजिलोसिस, ये एक फंगाई है उसके इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। इस फंगाई में क्या होता है, एस्परजिलोसिस की खासियत होती है ये गोल बॉल जैसा बन जाता है हमारे लंग की कैविटी में फंस जाता है। लंग की कैविटी कौन सी, कि टीबी किसी को हुआ हो तो लंग में कैविटी बन जाती है, उस कैविटी में एस्परजिलोसिस जो है वो जाकर के फंस जाता है। तो उसमें क्रशमॉन्स स्पाइरल जैसा आपको डायग्राम में दिखाए गए ऐसे क्रशमॉन्स स्पाइरल आपको दिखाई देंगे। वाटरी और ब्लड स्टेन स्पटम दिख सकता है अगर किसी को पल्मोनरी एडिमा हुआ हो तो। ये आप देख सकते हैं ब्लड दिख रहा है स्पटम के अंदर, जिसको अपन हिमोप्टाइसिस कहते हैं, खांसी के साथ में खून आना। कौन कौन सी कंडीशन में आता है खून, टीबी में, ब्रोंकाइटासिस में, माइट्रल स्टीनोसिस के अंदर, निमोनिया, लंग एब्सेस, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा वगैरह के अंदर। चॉकलेट कलर का स्पटम अमीबायासिस, अमीबायासिस जो है वैसे तो अमीबायासिस देखने को मिल रहा होता है तो पेट में देखने को मिलता है, पेट से लीवर में जा सकता है, और लीवर एब्सेस जब बस्ट हो जाता है तो ये लंग के अंदर चला जाता है, तब चॉकलेट कलर का स्पटम दिखाई देता है। फॉवल स्मेल तो खैर चलो अपन बाद में देखेंगे, एक बार थोड़ा सा इसके कलर के बारे में और देख लें। इसके अलावा ये ग्रीनिश कलर का अगर दिख रहा है तो स्यूडोमोनास के इन्फेक्शन को बताएगा। रस्टी कलर तो हम पढ़ चुके हैं निमोनिया में, ब्राइट कलर टीबी, लंग ट्यूमर, पल्मोनरी इन्फेक्शन में देखने को मिलता है। ब्लैक कलर का अगर कोल डस्ट को कोई इनहेल कर ले या बहुत ज़्यादा हैवी स्मोकर होता है तो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा होता है। कंसिस्टेंसी मैंने कभी नॉर्मल, तो ये कलरलेस ओपलेसेंट होता है, इसकी अनइवन कंसिस्टेंसी होती है। अगर ये कंसिस्टेंसी बिगड़ जाए तो ये सिरोज फ्रॉदी कलरलेस या येलो हो सकता है जैसे पल्मोनरी एडिमा में, म्यूकॉइड ग्लासेस टिनेशियस हो सकता है जैसे एक्यूट ब्रोंकाइटिस एस्थमा लोबर निमोनिया में होता है। प्यूरुलेंट या फॉवल स्पटम जो यहाँ दिखाई दे रहा है ना, ये रप्चर्ड एम्पाइमा और ब्रोंकाइटासिस को इंडिकेट करता है। क्रॉनिक सपोरेशन किसी को हो जाए, लंग एब्सेस हो जाए तो फॉवल स्मेल का कंडीशन दिखाई दे रही होती है। म्यूकोपुलेंट स्पटम लंग में कैविटी अगर फॉर्म्ड हो जाती है तो दिखाई देता है। ब्लड टिंग्ड स्पटम माइट्रल स्टीनोसिस वगैरह में, अभी ब्लड वाला तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो ये सारे के सारे इसके फिजिकल एग्जामिनेशन है। ऑर्डर में मैंने कहा फॉवल ऑर्डर लंग एब्सेस को बता रही है, ब्रोंकाइटासिस को और पल्मोनरी इन्फेक्शन को दर्शाती है, जबकि चीजी ऑर्डर जो है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर को दर्शाती है। इसके अलावा अगर आप स्पेसिमेन को टेस्ट में थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे 2-3 घंटे के लिए, तो उसके बाद आप देखिए नॉर्मल स्पटम में कोई लेयर नहीं बनती, और अगर 2-3 लेयर बन रही है तो टॉप लेयर में फ्रॉदी म्यूकस होगा, मिडल लेयर में ओपेक वाटरी मटेरियल होगा, और तीसरी सेडिमेंटेड लेयर जिसके अंदर पस सेल्स बैक्टीरिया वगैरह दिखाई देंगे जो कि ब्रोंकाइटासिस इन्फेक्शन और लंग एब्सेस को इंडिकेट करते हैं। अब इसके अलावा अपन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर सकते हैं, जिसमें आप वेट प्रिपरेशन बनाइए एंट अमीबा या पैरागोनोइमस को चेक करने के लिए। वेट प्रिपरेशन में अपन मूवमेंट चेक करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म का, स्लाइड में रख करके माइक्रोस्कोप नीचे देखते हैं। वेट स्टेनिंग में वेट मिथाइलिन ब्लू के साथ में मैलिग्नेंट सेल्स दिखाई देंगे। ग्राम स्टेनिंग में बैक्टीरियल पैथोजेंस का पता चल जाएगा। जेडन स्टेनिंग माइकोबैक्टीरियम के लिए करते हैं। स्पटम पॉजिटिव आता है अगर 50,000 per ml सेल से ज़्यादा आपको दिखाई देती है, तो ये देखिए जरा आपको दिख रही है सेल्स डायग्राम के अंदर। पेपेनिक्यूलो स्टेन कर सकते हैं साइटोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज़ का पता लगाने के लिए, जिसमें मैलिग्नेंट सेल्स को अपन आइडेंटिफाई करते हैं। ब्रोंकियल कास्ट को भी अपन डेमोन्स्ट्रेट इसमें कर सकते हैं। अब कौन कौन सी सेल्स आपको दिख सकती हैं,
तो न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, लिम्फोसाइट्स, आरबीसी, हार्ट फेलियर सेल्स और एंथ्राकोटिक पिगमेंट लेडन सेल्स जो हैं आपको दिखाई दे सकती हैं। न्यूट्रोफिल्स जिसको अपन पस सेल्स भी कहते हैं, पायोजेनिक इन्फेक्शन रेस्पिरेटरी ट्रैक का किसी में हो जाता है तो ये सेल्स दिखती है। नॉर्मली फ्यू पस सेल्स तो दिख सकती हैं, पर जब ये ज़्यादा दिख रही हैं तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फ्लामेशन वगैरह को इंडिकेट करती हैं। ईओसिनोफिल्स अगर आपको दिखाई दे रही हैं तो ये एस्थमा और पैरासिटिक इन्फेक्शन को दर्शा रही होती है लंग के अंदर। तीसरा, लिम्फोसाइट्स दिख रही हैं तो अर्ली पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस को इंडिकेट करेंगी। आरबीसी लंग में हैमरेज को इंडिकेट करती हैं। हार्ट फेलियर की सेल्स सीवीसी में लंग पल्मोनरी इन्फेक्शन के केस में और पल्मोनरी हैमरेज के केस में दिखेगी। एंथ्राकोटिक पिगमेंट लेडन सेल्स उनमें दिखती हैं जो कोयले की खादानों में जो लोग काम कर रहे होते हैं। हालांकि थोड़ी बहुत नॉर्मल इंडिविजुअल में दिख सकती है, पर ये जब ज़्यादा दिख रही हैं तो कोल वर्कर्स या न्यूमोकोनियोसिस उनके अंदर एक्चुअली हो जाता है, या जो स्मोकी पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर में रह रहे होते हैं उनके अंदर भी दिखाई दे रही होती है ये एंथ्राकोटिक पिगमेंट लेडन सेल्स। अब स्पटम एनालिसिस अपन कर रहे हैं तो ये स्लाइड जो है वो टिपिकल बक्कल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स को दर्शा रही है, जिसमें खूब सारी आपके पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स दिखाई दे रही हैं हाई पावर फील्ड के अंदर। ये सेल जो है वो चेन में आपको बैक्टीरिया इसमें दिख रहे हैं, वो ग्राम पॉजिटिव कोकाई है। टिपिकली ये नॉर्मल ओरल फ्लोरा होते हैं, जैसे पेप्टो स्ट्रेप्टो कोकाई हो सकते हैं। ये ऑयल इमर्जन में आपको ये दिखाई दे रहे हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टी जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताई थी कि अपियरेंस, ये लिक्वर सिरोस म्यूकस पिरुलेंट ब्लडी या कॉम्बिनेशन दिख सकता है इसका एबनॉर्मली, तो ऐसी अपीयरेंस इसकी हो सकती है। कलर के अंदर इसका कलर डिटरमाइन करता है मटेरियल इसके अंदर क्या है। ऑफन इसका कलर जो है वो पैथोलॉजिकल प्रोसेस को इंडिकेट करता है। येलो कलर जो है पस सेल्स और एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं तो उसको इंडिकेट कर रहा होता है। उसके अलावा मैंने बताया आपको ग्रीन, रस्ट, ब्राइट रेड, ब्लैक और येलो कलर दिख सकते हैं। ऑर्डर, तो भाई देखिए नॉर्मली स्पटम ऑर्डरलेस होता है, यूजुअली नो ऑर्डर नॉर्मल में, पर अगर पैथोलॉजिकल स्पटम है बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन की वजह से, उसमें बॉडी में कोई ऐसे चेंजेस आ रहे हो या कोई एक्सपेक्टोरेशन के बाद आप देखेंगे तो ऑर्डर जो है वो वेरी कर सकती है। उसमें फॉवल और चीजी ऑर्डर हो सकती है। फॉवल लंग एब्सेस, ब्रोंकाइटिस और पल्मोनरी इन्फेक्शन को दर्शाती है, जबकि चीजी मैलिग्नेंट ट्यूमर को और एम्पाइमा को दर्शा रही होती है। इसके बाद मिसिलिनियस फाइंडिंग के अंदर आपको चीजी मास, ब्रोंकियल का, सल्फर ग्रैन्यूल्स, फॉरेन बॉडीज दिख सकती हैं। तो सबसे पहले चीजी मासेस जो हैं वो, ये चीजी मास लिखा हुआ है, फर्स्ट जो है वो चीजी मास है। ये फ्रेगमेंट्स हैं नेक्रोटिक पल्मोनरी टिश्यू के, जो कि पल्मोनरी गैंग्रीन या ट्यूबरक्यूलोसिस किसी को हुआ हो उस कंडीशन में दिखाई दे रहे होते हैं। ये गैंग्रीन क्या होता है, सेल डेथ है, नेक्रोटिक नेक्रोसिस का एक टाइप है और टीबी तो आप जानते ही हैं। ब्रोंकियल कास जो है वो ब्रांचिंग ट्री जैसे ब्रोंकाई के कास्ट वगैरह वेरी साइज के साथ में अलग अलग साइज में दिखाई दे रहे होते हैं। ब्रोंकाई में ये बन रहे होते हैं, ये फाइब्रिन के और वाइट ग्रे कलर के होते हैं, फाइब्रिन के बने होते हैं, वाइट ग्रे कलर के होते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर ब्रोंकियल कास्ट, जो कि जिसको लंग स्टोन्स में देखने को मिल रहे होते हैं। ये नेक्रोटिक कैल्सिफिकेशन या इन्फेक्टेड टिश्यूज के केस में बनते हैं। क्रॉनिक ट्यूबरक्यूलोसिस भी बहुत कॉमन कॉज है इनके बनने का। ये येलो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर के रूप में स्पटम में पाए जा रहे होते हैं। ये फंगस की कॉलोनी के बने होते हैं, जैसे एक्टिनोमाइसिस स्पीसीज का इन्फेक्शन अगर लंग में हो जाए तो ये उसको दर्शा रहे होते हैं। इसके अलावा डाइट्रिच प्लग्स दिखाई दे रहे होते हैं। अगर किसी को पिट्रिड ब्रोंकाइटिस हो गया, पिट्रिड मतलब पस वाला ब्रोंकाइटिस, या ब्रोंकाइटासिस किसी को हुआ हो, ब्रोंकाइटिस में इन्फ्लामेशन होकर नैरोइंग होती है, ब्रोंकाइटासिस में डायलिटेशन हो जाता है ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री का। इसमें आपको सेलुलर डेब्रिस भी दिखाई देंगे इस डाइट्रिच प्लग के अंदर, फैटी एसिड्स, क्रिस्टल्स, फैटी ग्लोब्यूल्स और बैक्टीरिया भी दिखाई देंगे। अब निमोनिया के केस में दिखाया गया है कि भाई कैसा दिखाई दे रहा, नॉर्मल एल्वियोलाई देखिए और न्यूमोनिया का एल्वियोलाई देखिए कितने ज़्यादा चेंजेस हैं इसके अंदर। ये निमोनिया के अंदर पल्मोनरी चेंजेस दिखाई गए हैं, निमोनिया और एम्फिसेमा के अंदर।
देखिए नॉर्मल देखिए कैसा दिखाई दे रहा है आपका पल्मोनरी पार्ट, और निमोनिया के केस में देखिए कैसा दिखाई दे रहा है। फ्लूड और ब्लडी सेल्स इसमें दिख रही हैं, एडिमा इसके अंदर दिख रहा है। यहाँ पल्मोनरी आर्टरियल ब्लड 60% और सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन। निमोनिया के केस में देखिए लेफ्ट पल्मोनरी वेन 97% सैचुरेशन है, जबकि राइट पल्मोनरी पेन में 60% सैचुरेशन दिखाई दे रहा है क्योंकि उसमें निमोनिया हुआ हुआ है। तो ये निमोनिया का इफेक्ट दिखा रहे हैं आर्टरियल ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन पे, कि भाई निमोनिया हो जाता तो आर्टरी का ब्लड जो है वो उसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाती है, ये चीज़ इस डायग्राम में दिखाई गई है। अब निमोनिया के सिम्टम्स क्या हैं भाई, ये वेरी कर रहे होते, डिपेंड कर रहा होता किस टाइप का निमोनिया हुआ है। उसमें बुखार चढ़ेगी, चेस्ट पेन हो जाएगा, मसल पेन हो जाएगा, कफ रहने लगता है, येलो वाइट ग्रीनिश म्यूकस प्रेजेंट होता है कफ के अंदर, खांसी के अंदर, और एनर्जी कम हो जाती है पर्सन की, क्योंकि मेन डिजीज़ है ना ये, तो अपन इसलिए इसको पढ़ रहे हैं। बाकी निमोनिया मैं आपको जब सिस्टमिक पैथोलॉजी करवाऊंगी तो वहाँ पे ये डिटेल में पढ़ाऊंगी निमोनिया। ये स्पटम एनालिसिस बताया हुआ है, निमोनिया में स्पटम कुछ इस तरह का दिखाई देगा, इसमें खूब सारे ग्राम नेगेटिव रेड कोकाई दिखाई दे रहे हैं। फिजिशियन कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कई बार इन ऑर्गेनिज्म में कि ग्राम नेगेटिव कोको बेसिलरी हैं या फिर कोकाई हैं, उसमें बताया गया है क्योंकि एक साथ दिखाई दे रहे हैं ना, इसलिए। निमोनिया में ही हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का निमोनिया है तो उसमें टिपिकल ग्राम नेगेटिव कोको बेसिलरी दिखाई देंगे, रेड बैकग्राउंड के अंदर आपको ये दिखाई दे रहे हैं। ग्राम स्टेनिंग मेथड से अपन ने इसको स्टेन किया है, ये डिफ़िकल्टी होती है इनको देखने में बैक्टीरिया को। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा निमोनिया के की स्लाइड आपको यहाँ पे दिखाई गई है। क्लैप्सिला निमोनिया अगर किसी को हुआ, क्लैप्सिला की वजह से निमोनिया कई ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा होता है, तो ये ग्राम नेगेटिव बेसिलरी ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं। अभी अपन ने देखे वो सारे सारे कोकाई थे, ये बेसिलाई है, क्लैप्सिला बेसिलाई होता है जो निमोनिया कॉज करता है। ग्राम स्टेन करेंगे स्पटम का उन पेशेंट्स में जिनमें स्टेफेलोकोकस ऑरियस की वजह से अगर निमोनिया हो रहा है, तो आपको ग्राम पॉजिटिव कोकाई के क्लस्टर्स दिखाई देंगे। कुछ में चेन दिखी थी पहले अपन को, इसमें क्लस्टर्स दिख रहे हैं। तो ये आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है कि निमोनिया किस ऑर्गेनिज्म से हुआ है। एक्चुअली हम क्यों पढ़ रहे हैं निमोनिया को, क्योंकि निमोनिया कई तरह के ऑर्गेनिज्म से होता है और किस ऑर्गेनिज्म से हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम दवाई देंगे, मेडिसिन देंगे या ट्रीटमेंट देंगे। तो हमें क्या डिटेक्ट करना है कि वो ऑर्गेनिज्म कौन सा है जिसकी वजह से निमोनिया हो रहा है, तो कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसा कैसा दिखाई देगा अगर अपन स्पटम एनालिसिस करेंगे, तो वो यहाँ पर स्लाइड्स में आपको बता रही हूँ। अब एस्थमेटिक ब्रोंकियोल को दिखाया गया, नॉर्मल ब्रोंकियोल देखिए, और एस्थमेटिक ब्रोंकियोल जो बेचारी एकदम सिकुड़ सी जाती है, रास्ता देखिए एकदम ब्लॉक हो गया, सांस लेने में दिक्कत आती है, मसल स्पाज़म हो जाता है, यह एस्थमा की स्लाइड है, स्पटम की स्लाइड इस तरह की दिखाई देगी एस्थमा के केस के अंदर। एसिड फास्ट बैक्टीरिया का स्मियर आपको बनाना है, मैंने आपको स्मीयर बनाने का मेथड बताया था, मैं वापस से बता देती हूँ स्मीयर बनाने का मेथड आपको कैसे बनाना है। 24 आवर का स्पटम सैंपल आप लेंगे वाइड माउथेड स्टराइल बॉटल के अंदर, उसमें इक्वल वॉल्यूम में 6% सल्फ्यूरिक एसिड डालिए सैंपल में और उसको 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। फिर 3000 RPM पर आपको 30 मिनट के लिए उस सैंपल को सेंट्रीफ्यूज करना है। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद आप सुपरनेटेंट को तो छोड़ दीजिए, पर जो सेडिमेंट है उसको अच्छे से वॉश कर लीजिए डिस्टिल वाटर के साथ 3-4 बार। फिर उसका स्मीयर बनाइए, सेडिमेंट का स्मीयर स्लाइड के ऊपर बनाइए और उसको स्टेन करिए जेडन स्टेन के थ्रू, और फिर आप उसको कल्चर को अच्छे से देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा ट्यूबरकल बेसिलाई, लाल लाल रंग के, ब्लू बैकग्राउंड में रेड बेसिलाई दिखाई देते हैं, रॉड शेप के बेसिलाई। अब स्पटम माइक्रोस्कोपी क्यों करते हैं, इन्फेक्शियस ट्यूबरकुलोसिस का पता लगाने के लिए। पेशेंट को कोई ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो वो कितना अच्छा चल रहा है, प्रोग्रेस कैसी हो रही है उसको मॉनिटर करने के लिए। इसके फ़ायदे क्या हैं भाई स्पटम माइक्रोस्कोपी के, ये एक्सरे के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा रिलायबल मेथड है, इन्फेक्शियस टीबी को डिटेक्ट करने के ज़्यादा अच्छा काम कर रहा होता है, सिंपल है परफॉर्म, आप इजीली कर सकते हो, इजीली पढ़ सकते हो, मिनिमल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ज़्यादा महंगा नहीं है, तुरंत रिजल्ट दिखाई देता है, केवल टूल चाहिए ऐसा जो मॉनिटर कर सकता है और डिक्लेयर कर सकता है पेशेंट क्योर हो गया है, केवल यही एक तरीका जो अच्छे से बता देगा पेशेंट क्योर हो गया। अब पल्मोनरी टीबी को डायग्नोस करने के लिए 3 स्पेसिमेंस अपन को लेना है, स्पॉट स्पेसिमेंट फर्स्ट विजिट में लेना है, स्पटम कंटेनर आप पेशेंट को दे दीजिए वो आपको स्पटम ला करके दे देगा, अर्ली मॉर्निंग करेक्शन करना है नेक्स्ट डे, और स्पॉट स्पेसिमेंट सेकेंड विजिट में आपको उसका फिर करना है। तो ये स्लाइड दिखाई गई है, कुछ ऐसी दिखेगी स्लाइड्स जो है वो।
अब नॉर्मल नेगेटिव नॉर्मल या नेगेटिव मेलिग्नेंसी के केस में मॉडरेट नंबर एल्वियोलर मैक्रोफाज, पिगमेंटेड मैक्रोफाज और न्यूट्रोफिल्स का दिख सकता है, कुछ सीलेटेड कॉलमनर सेल्स दिख सकती है, म्यूकस के स्पायरल्स दिख सकते हैं स्पटम के अंदर, इन्फ्लामेटरी लेजन्स को ये इंडिकेट करते हैं, स्क्वेमस मेटाप्लेसिया में रेगुलर स्क्वेमस मेटाप्लेसिया हो गया, स्क्वेमस मेटाप्लेसिया में माइल्ड टाइप का हो सकता है, मॉडरेट का और मार्क टाइप का स्क्वेमस मेटाप्लेसिया हो सकता है। अब ये मेटाप्लेसिया क्या होता है, ये एक एडेप्टेशन है जिसमें एक तरह की सेल्स दूसरी तरह की सेल्स से रिप्लेस हो जाती हैं, जैसे सिगरेट स्मोकिंग के पेशेंट्स में देखा जाता है। ये रिप्लेस क्यों हो रही है, क्योंकि वो जो सेल्स होती हैं पहले वाले नॉर्मल सेल्स, वो उस क्रॉनिक एडवर्स कंडीशन को सहन नहीं कर पा रही हैं, इसलिए ऐसा देखने को मिल रहा होता है। बाकी ये मेटाप्लेसिया मैं आपको जनरल पैथोलॉजी में डिटेल में पढ़ाऊंगी, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी, आपको वहाँ समझ में आ जाएगा, यहाँ सिर्फ आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। पॉजिटिव अगर मैलिग्नेंसी किसी में है तो उसमें आपको स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा अगर हुआ है तो वेल डिफ्रेंशिएटेड केराटिनाइजिंग स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा आपको दिखाई देगा, या पुअरली डिफ्रेंशिएटेड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा दिख सकता है, एडिनो कार्सिनोमा दिख सकता है, एसिनर एडिनो कार्सिनोमा, ब्रोंको एल्वियोलर कार्सिनोमा, लार्ज सेल अनडिफ्रेंशिएटेड कार्सिनोमा और स्मॉल सेल अनडिफ्रेंशिएटेड कार्सिनोमा हो सकता है। ये आपको कैंसर की सेल्स दिखाई गई है। अब इसके बाद हम इसको ख़त्म करें। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कुछ चीज़ें और स्पटम में दिखती हैं, जैसे फॉरेन बॉडीज़ दिख सकती हैं, लाइक वैरायटीज़ ऑफ ऑब्जेक्ट जैसे पिंस, बीड्स, ग्राउंडनट्स, कॉइन्स, ये दिख सकते हैं। छोटे बच्चे कई बार इनको एस्पायरेट कर लेते हैं, तो उनके स्पटम के अंदर ये चीज़ें भी दिखाई दे रही होती हैं। हार्ट फेलियर की सेल्स जिसको अपन हीमोसिड्रिन लेडन मैक्रोफाज कहते हैं, ये भी दिखाई देती हैं। कुछ क्रिस्टल्स के नाम मैंने लिए थे, जैसे चारकोट लेडन के क्रिस्टल्स, फैटी एसिड के क्रिस्टल्स, कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल, हेमेटॉइडिन के क्रिस्टल्स आपको दिख सकते हैं। पैरासाइट्स में एंटामीबा का नाम तो अभी अपन ने पढ़ा, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, इकाइनोकोकस ग्रैन्यूलोसी, पैरागोनियोमियस या फिर स्ट्रोंग्लायोइड्स के लार्वी आपको दिख सकते हैं। आप इसके अलावा जो स्पटम है उसको स्टेन कर सकते हैं, लिशमान स्टेन से, ग्राम स्टेन से, जेडन स्टेनिंग से, एसिड फास स्टेनिंग जो होती है टीबी के लिए की जाती है उन सब से, और पेपेनी कैलाओ स्टेन तो मैंने आपको बताया था। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, स्पटम के अंदर डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट का काउंट DLC कर सकते हैं, न्यूट्रोफिल्स वगैरह को देखने के लिए, अगर न्यूट्रोफिल बड़ी हुई दिख रही है तो पायोजेनिक इन्फेक्शन को, इयोसिनोफिल दिख रही है तो एस्थमा और पैरासिटिक इन्फेक्शन को, लिम्फोसाइट्स बढ़ी हुई हैं तो माइल्ड और अर्ली ट्यूबरक्यूलोसिस को, एरिथ्रोसाइट दिख रही हैं तो वो हैमरेज को इंडिकेट करेगी। हम कल्चर भी कर सकते हैं स्पटम को लंग के अलग अलग इन्फेक्शंस का पता लगाने के लिए, या ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री के इन्फेक्शंस का पता लगाने के लिए हम उसको कल्चर भी कर सकते हैं। तो इसके साथ आपके लंग के डिसऑर्डर्स या ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री के डिसऑर्डर्स का पता लगाने के लिए स्पटम एग्जामिनेशन किया जाता है, उसका टॉपिक यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं।